थावे टोल प्लाजा के समीप एनएच 531 के किनारे वृंदावन में दिल्ली पब्लिक स्कूल कूल के नए ब्रांच का उद्घाटन शुक्रवार को हो गया। विद्यालय का उद्घाटन सेवानिवृत्त जिला में सत्र न्यायाधीश तथा उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर किया। विद्यालय के सचिव सह निदेशक ई राजीव कुमार ने सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना तथा स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। आप विश्वास करें, तालियां बजाने से शरीर के कई रोग दूर हो जाते हैं। इस विद्यालय की रूपरेखा, इस गति को बढ़ाने के लिए मैं इस विद्यालय के बीच हैं। आप सब इनको स्वागत के रूप में अपने तालियों के साथ आप लोग धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि आप विश्वास करें, तालियां बजाने से शरीर के कई रोग दूर हो जाते हैं। इस विद्यालय की रूपरेखा, इस गति को बढ़ाने के लिए मैं इस विद्यालय संरक्षक नंदन बाबू, आपके सुपुत्र डायरेक्टर राजू जी, विद्यालय के प्रिंसिपल, अध्यापक अध्यापिकाएं, प्यारे बच्चों यहाँ उपस्थित अभिभावकगण, मैं आज इस विद्यालय में उद्घाटनकर्ता के रूप में आकर अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि इस विद्यालय का उद्घाटन करने को मुझे मौका मिला। यह बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं समझता हूँ कि मंदिर बनवाने से भी अच्छा ज़्यादा एक विद्यालय बनवाना होता है, क्योंकि इस विद्यालय से जितने बच्चे निकलेंगे वो देश में अपना नाम रोशन करेंगे, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और काफ़ी आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं सबसे पहले आभार करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया है, बुलाया, और मैं इन बच्चों की भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह विद्यालय प्रतिदिन तरक्की करता जाए और देश की और इस क्षेत्र की जनता की सेवा करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। सर, यहाँ पे मतलब इस रोड में जो है शिक्षा के क्षेत्र में मतलब स्कूल की कमी है, इस कमी को देखते हुए यहाँ के गार्जियन लोग का था कि दूसरा ब्रांच सर यहाँ शुरू किया जाए, उसको देखते हुए यहाँ पे इसलिए दूसरे ब्रांच डीपीएस का शुरू किया गया। शुरू हुआ सर ये टोल टैक्स जो है वृंदावन ढाला के पास, यहीं पे शुरू किया गया। टोल टैक्स से 500 मीटर आगे पड़ेगा। आज के इस इनॉग्रेशन में जितने भी गार्जियन छात्र छात्राएं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहेंगे कि अभी के डेट में सबसे ज़रूरी है बच्चों को गाइड करना, और गाइड करके बच्चे को बेटर फ्यूचर दिया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मतलब दूसरा ब्रांच मैंने यहाँ शुरू करा। जैसा कि आप सबों को मालूम है, सा विद्या याद की मुक्ति, सकल चिंताओं को दूर करने वाला विद्या है। और हम शिक्षक की सेवा जो है 39 वर्ष की सरकारी सेवा शिक्षक की, उसके बाद हम सेवा निवृत्त हुए और तब से जो है 2008 में हमारे इसे डीपीएस का फ्रेंचाइजी हमने लिया और 12 में उस स्कूल को स्टार्ट किया। इस डीपीएस को अंतिम ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वहां जो है हमको संसाधन नहीं था, क्योंकि हमारे पास वहां जमीन नहीं था और यहां जितना हमको ज़मीन चाहिए उतना उपलब्ध है।
और इसलिए हमने जो है इसको इसकी अंतिम मंजिल तक पहुँचावें, आगे से आगे इसको ले जाएं और इससे क्षेत्र के जो शिक्षक मान छात्र हैं, अभिभावक हैं, उनके बच्चे जो हैं अधिक से अधिक पढ़े लिखें, इसी उद्देश्य से हमने इस ब्रांच को खोला है। स्कूल का एक ब्रांच यहाँ खोला गया वृंदावन ढाला के पास, इसका इनॉग्रेशन भी था। डीपीएससी स्कूल ऐसे तो बहुत ही नामी स्कूल है, हर एक शहरों में इसके ब्रांच हैं और इसमें जो पढ़ाई की गुणवत्ता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। नए जमाने के साथ आधुनिक तकनीक के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है और साथ में नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा के लिए इसमें व्यवस्था होती है, जो कि हमारे आज के फ्यूचर जनरेशन फिर आगे बढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारा यही संदेश है कि हमारे बच्चे इसमें नैतिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करते हुए एक सम्मानित नागरिक बने और देश को आगे बढ़ाएं।